वेरी स्मार्ट पल्लवी, इस चक्कर में कुसुम बाहर आएगी ही आएगी और घर पूरा सा हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया दीदी की वजह से शुरू हो गई है। अरे ये सब शुरू किया था मैंने, और नाम मिल रहा है पल्लवी की सास को। मम्मी जी, इसीलिए तो कह रही हूँ चलते हैं ना बाहर। हमने बॉयकॉट किया है, हम नहीं जाएंगे बस। चुप। तो मम्मी जी गुजिया बनानी शुरू करें? हाँ हाँ, और क्या, कुसुम भाभी तो आएंगी नहीं। हाँ वैसे आंगन गुजिया बनाने कौन वाला है? उसे हम अलग से शूट करना चाह रहे हैं, वो हाईलाइट है ना। वैसे तो सबसे अच्छी गुजिया कुसुम चाची बनाती है, लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो कौन बना सकता है उतनी अच्छी? आई थिंक मम्मी जी आपको ही बनानी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ये कैमरे वैमरे के सामने नहीं आना है। चलिए ना मम्मी जी, बहुत मजा आएगा, आप पूरी दिल्ली में फेमस हो जाएगी। और पहले फोटो शूट कर लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करें, है ना? आइए 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 करते हैं। ओके, 5 4 3 2 1 एक्शन। एक मिनट, आ गई कुसुम भाभी, ये तो ठीक लग रही है। नमस्ते, मैं हूँ कुसुम अवस्थी, और यहाँ पे जिसके बारे में बात चल रही थी वो मैं ही हूँ। मेरे हाथों के बने गुजिया दिल्ली में वर्ल्ड फेमस है, और आज भी गुजिया मैं ही बनाऊंगी। थैंक यू सो मच पल्लवी, मम्मी जी को बाहर लेकर आने के लिए। क्या है ये? हाँ, अब कुसुम यहाँ, मतलब चमत्कार रही है, कैसे? क्या है ये? ये सब पल्लवी का किया है कि कुसुम बाहर आ गई और गुजिया बना रही है। क्या लिखे मतलब? मैं आती हूँ। अब बस किसी तरह चाची जी की नाराजगी दूर हो जाए। नाराजगी क्या, उछल रही है वो, कैमरा देखा तो उछलती हुई आई होगी। लेकिन आकाश सच कहो, तुम्हारी बीवी स्मार्ट है ना? तो ये सब इनका प्लान था? बहुत तेज बन रही है ये पल्लवी। तीनों बच्चों की गिफ्ट तैयार। क्या गलत क्या कहा है इसने? पैसे मेरे, आंगन मेरा, घर मेरा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। कब से समझा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी शादी हो गई, अपने घर जा, अपने ससुराल जा, अपनी गृहस्थी संभाल, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं। आज पहली बार है होली के दिन पल्लू से बात ही नहीं हुई। गुप्ता जी नमस्ते, कैसे हैं आप? वाह जयदेव जी वाह, क्या चूना लगाया आपने हमें। बेटी को प्लॉट दिखाने आए थे,
और कल हम यहाँ पूजा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो प्लॉट पर सरकारी बोर्ड लगा है। ये जमीन गवर्नमेंट की है और आपने गवर्नमेंट की जमीन हमको बेच दी। अरे रुकिए रुकिए गुप्ता जी, कुछ गलत फहमी हुई होगी। अरे बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करते हुए? बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े वादे किए थे, कितने बड़े झूठे हो आप। गुप्ता जी प्लीज एक बार शांत हो जाइए, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूं, जल्दी आइए। कैसे ये सरकारी जमीन कैसे हो सकती है? जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अगर वो जमीन फ्रॉड है तो मैं अपना आंगन कैसे बचाऊंगा? मुझे निकलना चाहिए। पल्लवी ने बिल नहीं भरा क्या? जरा फोन करके पूछे। अरे वो बोल के गई है, भर दिया होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। और करो भरोसा अपनी बहू पर, मोंटी की यहाँ से चली गई होगी अपने बाप के घर, मना करने के बावजूद। ससुराल अंधेरे में रहे तो रहे, अपने बाप का घर रोशन रहना चाहिए हमेशा। जा संध्या, सारी मोमबत्तियां कमरे में रख दे, शायद इनके नसीब में अंधेरा ही लिखा है। जी मम्मी जी। ये तुमने ठीक नहीं किया पल्लवी, मैं हर बात पे तुम्हारा साथ दे रही हूँ, लेकिन तुम बाज नहीं आओगी। बहू होने का छोटा सा भी फर्ज नहीं निभा पाई तुम। सब कुछ है ना बेटा इस थाली में, कुछ रह तो नहीं गया? अभी भी राकेश के बारे में सोच रही हूँ। जी मम्मी जी, वो पता नहीं उन्हें क्या हो गया, कल से जब से वो जानवी के रूम से आया है ना, बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देख बेटा, मेरी बात जरा ध्यान से सुन, और वैसे भी यहाँ खड़े रह के कुछ नहीं होने वाला, तो सीधे जानवी के कमरे में जा और उस मुसीबत की जड़ को ढूंढ निकाल। वो मम्मी जी, जानवी ने देख लिया तो? सबसे पहले तो ये मत भूलो कि ये तुम्हारा घर है और तुम्हें किसी भी कमरे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, जानवी नीचे गई है ना होलिका दहन का फंक्शन देखने के लिए, सब लोग नीचे हैं, इस वक्त इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, यही मौका है इस मुसीबत की जड़ को ढूंढ निकाल। जा, टेंशन मत ले। ठीक है, आके मिल मुझे नीचे। जी। इसमें क्या है? तो मेकअप होगा, क्या देखूं उसमें? मोबाइल तो चार्जिंग पे लगा रह गया। ऐसा क्या है जिसको देख के राकेश इतना परेशान हो गया? जान भी तो नहीं आ गई, क्या करूं? अरे ये बाहर कैसे रह गई? थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाती। ऐसा क्या है इसमें जो जानवी लॉक करके गई है? वैसे क्यों बोल रही थी कि जब वो किसी को पता नहीं चला? इमरजेंसी लाइट, बैटरी कुछ मिला क्या? अभी तक तो नहीं भैया। एक बात तो मुझे ना
कुसुम पे ही डाउट है, जरूर उसने कुछ खुराफात की है। रुको मैं आता हूँ, एक मिनट। रहने दो सुभाष, मुझे कुछ दिए मिल गए, इन्हीं को जला के रोशनी कर लेते। मम्मी जी ये लाइट मैं हॉल में रख दूं, बहुत अंधेरा होगा ना वहां। क्यों? ताकि सबको लाइट मिल जाए। बिल्कुल नहीं, रखिए यहीं पे। उनकी बहू की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, थोड़ा तो झेलना पड़ेगा ही ना सबको। बंद करो। हाँ। आंख में जा रहे, बंद करो। मैम ये घर का बिजली का बिल भरना था, ये पैसे और ये रहा रजिस्टर नंबर। पर बिल जमा करने का टाइम खत्म हो गया, होली के बाद आना। पर मैम टाइम तो 8 बजे तक का है ना, और अभी 15 मिनट बाकी है। मैम प्लीज कर दीजिए ना, कल त्योहार है, बिना लाइट के होली कैसे मनाएंगे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 5 मिनट लगेगा, भर दीजिए ना बिल, सोचिए ना इतना। पहले सोचना चाहिए था ना मैडम, रूल्स तो सबके लिए सेम है, अकाउंट बंद हो गया है। मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा ना अकाउंट बंद हो चुका है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के होली कैसे मनाएंगे? बिल जमा नहीं हुआ, मम्मी जी मुझसे नाराज हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके बिल पे करना ही होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।